आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बेतिया से है, जहां गुप्त सूचना मिली कि पश्चिमी चंपारण जिला क्षेत्र के अंतर्गत मझौलिया प्रखंड स्थित ग्राम आवर शेख पासवान चौक पर एक संदेहास्पद व्यक्ति खड़ा है। पुलिस पदाधिकारी को सूचित करते हुए ग्राम आवर शेख पासवान चौक पर पुलिस की गाड़ी को देख व्यक्ति भागने के प्रयास किया, जिसे पुलिस के साथी सहयोग की मदद से उक्त भाग रहे व्यक्ति को पकड़ा गया। वह व्यक्ति की पहचान भागड़ यादव, उम्र 24 वर्ष, पिता रघुपति यादव, साकिन परसौतीपुर, वार्ड संख्या 11, थाना मझौलिया, जिला पश्चिमी चंपारण बताया गया। पकड़े हुए व्यक्ति से पुलिस या पूछताछ एवं तलाशी लेने पर व्यक्ति की कमर से एक पिस्टल, एक मैगजीन एवं 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया, जिसके आधार पर मझौलिया थाना पर आर्म्स एक्ट दर्ज कर उस व्यक्ति के निशानदेही पर उनके घर से 11 जिंदा कारतूस एवं 7 कारतूस की खोखा बरामद किया गया। पकड़े गए अभियुक्त ने अपनी स्वीकारती बयान में बताया कि अपने साथी सहयोगी से मदद लेते हुए अवैध हथियार की खरीद बिक्री करता है। यह अपने अन्य अपराधियों को भी भाड़े पर अपराध करने हेतु हथियार को उपलब्ध कराने का काम करता है। यह अपने साथी सहयोगियों के साथ राहगीरों से मोटरसाइकिल एवं अन्य वाहन, मोबाइल, पैसे छीनने का काम करते हैं। वहीं पूछताछ के दौरान ये बताया कि अपने साथियों के सहयोग से उक्त गैंग का संचालन भागड़ यादव के द्वारा किया जाता है। वहीं भागड़ यादव को पुलिस गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक हिरासत में बेतिया भेजा। अन्य साथी गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। आपात स्थिति में मिला था, उसकी सूचना पे उस पे पूछताछ की गई, उसको पकड़ा गया और उसकी पूछताछ की गई, उसके इंटरोगेशन किया गया, तो ये पता चला कि वो एक गैंग का सदस्य है और मुख्य सरगना भी है, जो न सिर्फ लोगों से पैसे छीनता था बल्कि गाड़ियाँ जो 4-व्हीलर और 2-व्हीलर जो होते हैं उनको भी मौका पड़ने पे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।